दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों आज हम बात करेंगे उबर के बारे में ही। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जिसमें दोस्तों हमें मतलब पहले उबर की तरफ से बहुत अच्छा उसमें ऑप्शन मिलता था, और कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो हम उबर में कंप्लेंट करके उस चीज़ को ठीक कर लेते थे, ठीक करवा लेते थे, या फ़ोन पे हम कस्टमर सपोर्ट में बात करते थे तो हमारा मतलब सॉल्यूशन हमें मिल जाती थी। बट अब देखने को ये मिल रहा है दोस्तों, उबर भी अपनी तरफ से एक तरीके का ये लगा लीजिए, जैसे ओला कंपनी है, तो जैसे कि आपको सभी को पता है कुछ भी चेंजेस वगैरह होते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। वो चेंजेस करता है तो ये भी चेंजेस कर लेता है, वो कुछ चेंजेस करता है तो ये भी चेंजेस कर लेता है, तो एस टू एस मतलब फॉलो अप दोनों अपने आप करते रहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो, जो भी भाई ओला में चला रहा है, ओला में तकरीबन दोस्तों सारी चीजें बंद हो रखी है। ओला में कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन बंद हो रखा है। हालांकि कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन है, वो बहुत ही कम ड्राइवर भाइयों को पता है कि कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन कहाँ से मिलता है। तो इसके ऊपर मैं आपको वीडियो स्पेशली बना के बताऊंगा कि कहाँ से मिलता है। कस्टमर सपोर्ट का ऑप्शन है बट हाइड है, और इन्होंने बहुत ही अंदर जाके छुपा के रखा हुआ है, तो वो कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसके ऊपर मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बट आप समझ लीजिए 90% भाइयों के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं है। 10% को भी पता है, जिनको पता है वो उसको यूज कर लेते हैं। तो तकरीबन इन्होंने पूरा कस्टमर सपोर्ट बंद कर दिया है। कुछ भी बिल में इशू होता है तो सिस्टम वाइज कंप्यूटराइज कर रखा है। कंप्यूटराइज में टोल से गाड़ी कूद के जा रही है, ठीक है, टोल क्रॉस करके जा रही है, टोल ऐड नहीं होता तब हम कंप्लेंट करते हैं, तो इनका सिस्टम बोलता है भाई आपने टोल तो जंप ही नहीं किया, मतलब आपने तो टोल क्रॉस ही नहीं किया, तो मतलब आपको टोल कैसे दे दिया जाए। तो सोचने वाली बात है, बंदा यही सोचेगा भाई हम हवा में उड़ के गए क्या, मतलब नोएडा से अगर हम दिल्ली आ रहे तो हम हवा में उड़ के आ गए। तो इनके सिस्टम को कोई जज नहीं कर सकता, इनका सिस्टम इस तरीके से बनाया हुआ कि ड्राइवर भाइयों का बस खून चूसना है, और टोल टैक्स में जो भी हमारे हक का पैसा है जो हम लेकर आ रहे हैं, देखो टोल आपको पता है जो जिनके पास पास होता है वही थोड़ा सा अमाउंट सही कमा लेते हैं, वरना जिनका डेली बेस वाला टोल होता है, डेली हर ट्रिप पे करना पड़ता है, तो उसके लिए तो कोई कमाई नहीं है। उसने तो भाई जो राइड लेकर आ रहा है उसी में उसको पैसे देने, मतलब उसमें आपको ये हेल्प हो जाती है कि राइडर के बिल में ऐड होके मतलब वो बच जाता है, तो उसमें ड्राइवर के हाथ में तो कुछ नहीं आता। हाँ, जिनके पास मंथली पासेस है वो उसका थोड़ा सा यूज कर लेते हैं और अच्छी खासी थोड़ी सी अर्निंग हो जाती है, पर इसके लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है और ट्रिप्स उठानी पड़ती है एनसीआर की, तब जाके एमसीडी का प्रॉफिट हर कोई ड्राइवर नहीं उठा पाता। जिनको पता है, जो काफी पुराने एक्सपीरियंस है, उनको पता है कैसे निकाला जाता है एमसीडी से टोल। तो इसलिए इसमें नुकसान क्या होता है, ओला से एक तो टोल का इशू रहता है, सिस्टमाइज कर रखा है इन्होंने, वो इनका प्रॉपर काम नहीं करता, ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए दोस्तों अब उबर ने भी बहुत सारी चीजें चेंजेस कर दी हैं, और अभी रिसेंटली इसने उबर ने क्या किया है कि अगर आपके पास मतलब कैश से रिलेटेड आपकी कैश की ट्रिप है, तो आपको पता ही था, देखिए शुरू में उबर में क्या है कि एक दो बार में अगर आपके कोई कैश की प्रॉब्लम होती है, अगर आप इस लाइन में नए हो, अभी मैं फिलहाल पुराने की बात कर रहा हूँ, पुराने जितने भी है उनको सबको पता था कि कैश में अगर कुछ कम वर्दी होती है तो उबर में हम कंप्लेंट करते थे, तो उस दौरान हमें वन टाइम का कुछ वन या सेकंड या थर्ड थ्री टाइम का दोस्तों इसमें उबर पुराने बंदों को दे रहा था पैसे, ठीक है। अब हो गया ये कि अभी ये ऑप्शन उबर ने कर दिया है, अपने सिस्टम से हटा दिया है। अगर आपके पास कैश में कुछ भी कम वर्ती हुआ है, कस्टमर ने कम पैसे दिए हैं, या फिर कस्टमर ने कैश से लेके मतलब आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है, पहले क्या होता था कि अगर कैश नहीं कस्टमर ने पे किया तो हम एक कंप्लेंट मार देते, भाई मेरे पास इतना कैश रिसीव हुआ, बाकी जो बैलेंस होता था उबर अपनी तरफ से उसे दे देता था। तो ये सब चीजें हो गई हैं दोस्तों आज की तारीख में बंद। तो अब हम पुराने जितने भी ड्राइवर हैं वो कैश का अगर आपने एक या दो बार ले लिया है, उसके बाद एक आधा बार आपका और उबर देगा, पर वो देने का ऑप्शन ही बिल्कुल हटा दिया गया है दोस्तों सिस्टम से। तो अब आप कैश के ट्रिप के खुद ही जिम्मेदार होंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिए, कैश की ट्रिप जो भी आती है उसमें जो भी बिल बनता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, ठीक है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो पुराने ड्राइवर भाई हैं जो चला रहे हैं, तो वो अच्छे से जानते हैं इस चीज को, और उम्मीद यही रहती थी कि कुछ भी गड़बड़ होती है तो उबर हमें अपनी साइड से दे देता, तो अब वो चीजें हटा दी गई है।
जैसे ओला ने कर दिया है वैसे ही उबर ने कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं नए ड्राइवर, नए ड्राइवर भाई यही सोचेंगे कि नए जो ड्राइवर हैं उनके लिए मतलब क्या है, मतलब उनको तो मिलेगा। दोस्तों अगर आपकी नई आईडी है, आप इस लाइन में नए हो, तो आपको एक या दो बार उबर ये चीज देगा। अगर आपकी कैश में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कस्टमर का बिल बनाए 500, कस्टमर देकर गया आपको 100 रुपये या 150 रुपये, बाकी बैलेंस आप उसमें ऑप्शन आएगा कि आई डिड नॉट रिसीव एक्चुअल कलेक्ट, ठीक है, तो उसमें आप क्लिक करोगे और उसमें आप एक्चुअल में अमाउंट जो आपने रिसीव किया, सपोज आपका 500 का बिल बना था, आपने 150 रुपये रिसीव किया, तो आपको वहां पर डालोगे 150 रुपये। थोड़ी देर के अंदर 5 मिनट के अंदर आपको जितना भी बैलेंस जो कम मिला था वो आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। बट इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ वन टाइम होता है, एक या दो बार आपको उबर ये चीज फैसिलिटी देगा, इसके बाद ये हटा देगा। तो इसके बाद आपकी खुद की रिस्पांसिबिलिटी होगी उबर के कैश कलेक्टेड कलेक्शन की। तो राइडर से कैश कलेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। और पहले जब स्टार्टिंग थी ये कंपनियां बहुत दे देती थी, और इसका दोस्तों सच बताऊं तो बहुत भाइयों ने मिसयूज भी किया है, इंटरसिटी की बुकिंग भी करते थे, ठीक है, करने के बाद कस्टमर से कंप्लेंट, मतलब कस्टमर सपोर्ट में जाके कंप्लेंट करते थे कि भाई राइडर नहीं देकर गया। जितना भी इंटरसिटी का बिल बनता था उबर ओला दोनों प्रोवाइड करते थे राइडर को। जब इन कंपनियों को ये चीज पता चली तब इन्होंने अपने हाथ पीछे खींचे, और तभी देखिए जब आप कंपनी के साथ ज्यादा ही कर देते हो अति, तभी कंपनी रूल रेगुलेशन टाइट करती है और फिर सारे जितने भी लूप पॉइंट होते हैं वो सारे बंद कर देती है। फिर पिस्ता कौन है, शुरू में जो स्टार्टिंग में गेम कर गया कमा गए वो तो निकल गए अपना, अब जो नए नए आ रहे हैं जो बेचारे चल रहे हैं उनके साथ हो जाते हैं गेम दोस्तों, और उनके वो ही भुगतना पड़ता है। देखिए मलाई मलाई खाके खाने वाले निकल गए। स्टार्टिंग में जब कंपनी आई थी तो बहुत अच्छा एमबीजी प्लान मिला, इंसेंटिव मिला, ठीक है, तो बहुत से भाइयों ने बहुत ही अच्छा पैसा कमाया। बट अब पैसा देखिए तेल तिलों में से ही निकलना है, इन्होंने बांटा तो उस चीज को अब ये निकाल रहे हैं, और निकाल ऐसे रहे हैं कि जहां कमीशन 10% हुआ करती थी वो आज के टाइम में 20 भी है कहने को बोलते हैं, पर आपको भी बताया 20 नहीं 30-40% तक की कमीशन है, चाहे आप चेक कर लेना कभी कितनी कभी कितनी कभी कितनी, मतलब बहुत ही अति जिसमें ज्यादा हो चुकी है दोस्तों। तो ये उबर ने अभी कर दिया है बंद, तो उस चीज को रखे सभी ड्राइवर भाई रखना आगे से ध्यान, क्योंकि आप ध्यान नहीं रखोगे आप यही सोच के चलोगे कि मुझे राइडर अगर कम पैसे दे गया तो कोई नहीं, मैं उबर के कस्टमर सपोर्ट में कॉल करके या कंप्लेंट करके उसमें डाल दूंगा कंप्लेंट, तो हमारा कैश रिवर्ट आ जाएगा। तो दोस्तों ये कैश नहीं आने वाला रिवर्ट, तो इस चीज का रखना ध्यान, वरना आपको पूरे के पूरे पैसे आपके जो नुकसान होगा वो अलग होगा, और उबर की तरफ से भी आपको एक मतलब उम्मीद जो उबर में लगी रहती है आपकी कि भाई वहां से मिल जाएगा, तो वो उम्मीद भी आपकी टूट जाएगी और विश्वास एक तरीके से टूटेगा ही, क्योंकि कंपनी देखिए कंपनी को खुद झटका लगता है तभी कंपनी को कहते हैं ना ठोकर खाके इंसान चलना सीखता है। तो जब कंपनी के लूप पॉइंट जब पता चलते हैं कंपनी को भाई हमारे इस चीज में यहाँ पर हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे नुकसान कौन कर रहे हैं, ड्राइवर भाई ही कर रहे हैं, तो कहते हैं ना तालाब में एक मछली गंदी होती है तो सभी को गंदा समझ आ जाता है, तो वही चीज है। कंपनी थोड़े बहुत ड्राइवर करते हैं गलत चीजें, उसका परिणाम भुगतना सभी ड्राइवरों को पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक एक शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो देखते हो पूरी ना लाइक करते ना शेयर करते, आपके शेयर करने से मुझे हेल्प मिलती है, वीडियो आगे पहुंचती है और उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला ओवर में कैसा काम है, एक्चुअल में कितना काम है, ओला ओवर में कौन सी गाड़ी ले कौन सी गाड़ी ना ले। मेरे पास सारी वीडियो मैंने बना रखी है, आपके कुछ भी क्वेश्चन है आप भी कुछ जानना चाहते हैं ओला ओवर से रिलेटेड, तो अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप कमेंट्स लिखिए। जब तक आप कमेंट्स नहीं लिखेंगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा मैं सभी ड्राइवर भाइयों के, चाहे आप यूट्यूब पे हो फेसबुक पे हो इंस्टा पे हो, सभी के कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ, और थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ क्योंकि आपको भी पता है मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, तो इस वजह से मतलब जवाब नहीं दे पाता, पर पढ़ता सबके कमेंट्स हो और बाद में रिप्लाई भी सबके करता हूँ।
तो दोस्तों अभी एनसीआर में मतलब मैंने जैसे कि बताया था दो तीन दिन पहले कि मेरे पास एनसीआर का लेटर अभी तक बुराड़ी में मैंने बोल रखा है, आज बात करी थी उसने लेटर नहीं दिया है, कल मुझे बोल रहा है वो लेटर देने को। तो कल मेरे पास अगर लेटर आ गया तो मैं सीधा निकल जाऊंगा यूपी उत्तर प्रदेश और लाल कुआं अथॉरिटी जाके यूपी का टैक्स जरूर कटवाऊंगा। एमसीडी पास मैंने ले लिया है गाड़ी का, कल ही ले लिया था एमसीडी पास और पास मैंने एडवांस में ले लिया, पर अभी क्या है कि वेट कर रहा हूँ बस यूपी जाने का, और जैसे ही मेरे पास एनसीआर लेटर आएगा तो मैं तुरंत पहुंचूंगा और यूपी का टैक्स भर के आऊंगा, फिर अपना एनसीआर में घूमने का मजा अलग ही होगा। तो जो एनसीआर में घूमते हैं उन्हें दिल्ली घूमना पसंद नहीं आता, क्योंकि और जो दिल्ली घूमते हैं उनको एनसीआर घूमना पसंद नहीं आता। कमाई देखिए हर उसमें है, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में नहीं कमा सकते, बट क्या है कि दिल्ली में दोस्तों टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, और एनसीआर में क्या है कि आपको एक ही लंबी ड्यूटी अप डाउन का 700-800 रुपए दी जाती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कह लेते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए